वेलकम टू चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है देवरानी। तो आप देखने कास्ट एंड क्रूज को जानना जरूर चाहोगे, तो कास्ट एंड क्रूज और रोल्स के बारे में बता देते हैं। वैसे इस वेब सीरीज में कुल चार लोगों का ही रोल है, और पहला है सिमरन जो कि कोने में बैठी हुई है राइट साइड में, दूसरा है तनिषा जो बीच में बैठी हुई है, और जो साइड में बैठे हुए हैं वो सलमान है। वैसे इन तीनों का ही मेन रोल है और इसके ऊपर ये बनी हुई है, आप जरूर देखना चाहोगे। तो स्टोरी लाइनअप के बारे में हम बता देते हैं। देखो नाम से पता चलता है देवरानी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये देवरानी यानी कि सिमरन कपूर जो कि देवरानी बनी हुई है, और इनके हस्बैंड बाहर काम करते रहते हैं। तो काम करते रहते हैं तो बड़े परेशान हैं, आ ही नहीं पाते, 2 साल हो गए आ नहीं पा रही, वो अपनी तरफ मिटा नहीं पा रही है। तो इसके ऊपर ये बनी हुई है। तो ऐसे में क्या है कि ये तनिषा और सलमान एक साथ रंगरलियाँ मना रहे होते हैं, तो ऐसे में ये देख लेती है और फिर अपने आप में जोश की कहते हैं ना के कामना करती है, रूम पर जाती है और अपने हाथ से हंसते में करने लगती है। तो इस तरीके से वो लेट हो जाती है खाना खाने के लिए, बोलती है खाना खाने के लिए लेट हो गई, क्यों ऐसा क्यों ऐसा। तो इस तरीके से धीरे धीरे वेब सीरीज चलती है। एक दिन देवरानी का बदन दर्द कर रहा होता है तो वो उसकी दवा देती है। अब धीरे धीरे उनकी बातचीत ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद बोलती है कि ऐसी तरफ और अपन दोनों में कहाँ। तो वो उसके साथ रंगले मनाने देती है। एक बार एक दिन तो उसके आँखों पे पट्टी बांध के करने लगती है, तो दो बोलते हैं दोनों मज़ा आया, ठीक है। इस तरीके से वो चलता रहता है। एक दिन बोलती है कि तुम खुद ही उसको उकसाओ, ठीक है। अब ऐसे में वो उकसाती है, वो ऐसे में क्या होता है उकसाने के दोनों मनोरंजन कर लेते हैं। इतने में क्या होता है कि उसका पति यानी कि वो उसको सरप्राइज़ देने के लिए आ जाता है, और आता है और देखता है और चौंक जाता है। इतने में क्या होती है कि छोट तनिषा उसके सर पे मार देती है और बोलती है ओ ये क्या कर दिया, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, जो हुआ तो अच्छा हुआ। इस तरीके से ये वेब सीरीज है, यानी कि तीनों एक साथ रहने लगते हैं। अब आगे क्या है कि पार्ट आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और इसके वेब सीरीज़ के रिव्यू और रेटिंग्स के बारे में बता देते हैं। अगर एक तरीके से स्टोरी देखी जाए तो स्टोरी तो ठीक ही है, और वैसे भी स्टोरी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, उन्हीं में से एक आधे को स्टोरी ही है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ देखने के लिए, आपको देखना चाहो तो देख लीजिए, अच्छी लगेगी।